खालिद मजीद और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आज का टॉपिक 99 न्यूज़ से। आज आपके इस प्रोग्राम में हम बताएंगे महंगाई। हमारा मौजू है आज का महंगाई कि महंगाई किस कदर ज़्यादा, महंगाई किस हद तक बढ़ चुकी है कि आम आदमी को सर्वाइव करना मुश्किल है। इस वक्त हम एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर बात करेंगे और साहब कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आपने गुज़िश्ता 2-2.5 साल से पहले इख्तदार में आने से पहले आवाम के जो वादे किए थे कि महंगाई कम होगी, महंगाई कम होगी, महंगाई कम होगी, अभी तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लोग महंगाई के हाथों परेशान, लोग अपने बिल अदा नहीं कर सकते। और फिर आज तो धरने के दिनों में कंटेनर पर खड़े होकर बिलों को भी याद लगा दी थी, लेकिन आज अगर गौर करें तो देखिए कि महंगाई बिजली को भी कितना महंगा कर रही है, सुई गैस किस हद तक आगे चली गई। उसके अलावा इजनास से खुर्दनी, लोग सब्जी खरीदने से मजबूर हैं। लोग ये बड़े बड़े यूटिलिटी स्टोर के अलावा ये जितने भी कैश एंड कैरी जो हमें नज़र आते हैं वहाँ पर भी लोगों की कीमतें खरीद दम तोड़ चुकी है। खुदारा महंगाई पर काबू पाने के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि 2.5 साल से ज़्यादा हुकूमत गुजर चुकी है और आपके वो इरशादात वो भी हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे जो आप महंगाई ज़्यादा होने के हवाले से देते हैं। तो आइए नज़रें वो बयान भी आपको दिखाएंगे, वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन इस वक्त हम आवाम से पूछते हैं कि महंगाई की क्या सूरत है। आइए इसे समझा देख, ऐसे दोस्त मौजूद हैं जो अभी ख़रीदारी कर रहे थे और रमज़ान से पहले ख़रीदारी में किस हद तक महंगाई हुई है, चीज़ें किस हद तक महंगी हो गई हैं, इनसे भी पूछते हैं इन्हें क्या कहते हैं। महंगाई तो हो गई है क्योंकि अभी रमज़ान आया नहीं और महंगाई फ्रूट मैंने लिए हैं कुछ 100 से मुझे कोई फ्रूट आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ तक ये बनाना हम जो है वो सस्ता लेते थे, वो भी महंगा हो गया, तो वो भी 80 और 100 टाइम हो गया। टमाटर आप कुछ भी सकते थे महंगे वाले, तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। हमारी इनकम वही चलती है और महंगाई जो है वो बढ़ गई, खर्चे बढ़ गए, तो सर्वाइव करना थोड़ा सा कुछ लोग वो जो तनख्वाह करता है के लिए गुजारा करना और फिर ये सारी चीज़ें जो बोलना खरीदारी हैंड टू माउथ है, हैंड टू माउथ है, बस कमा रहे हैं और लगा रहे हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं कुछ सीखें इस दौरान, अगर गुजारा करना ऐसा हो गया, बीमार हो गए हैं या कोई और इस तरह के मामला हो गए हैं, तो वहाँ पर हम लोग फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमारी सेविंग नहीं है। तो अगर आप राशन में ही ये अखराज आपके बढ़ गए तो आप मुझे बताएँ दूसरे मामला के साथ हमारी खुशी जी बिल्कुल ये बच्चों की जरूरत है, उनकी तालीम और एजुकेशन के अलावा तनख्वाह अभी हम लोग परेशान हो गए, जैसे कि अभी बच्चों के एग्ज़ाम हो गए तो उनकी फीसिस के साथ साथ उनके एनुअल जो जो है अखराजात वो हमने पूरे करने हैं, सर्वाइव करना मुश्किल है, महंगाई बढ़ गई है। बस इस उम्मीद पर कि इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से भी हमारी बेहतरी आ जाए, गवर्नमेंट जिस तरह हमें कह रही है कि आगे मामलात अच्छे हो जाएंगे, थोड़ी सी परेशानी ठीक हो जाएंगी, तो उस पर हम अल्लाह के आसरे पे गुजारा चला रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोई बेहतरी आ जाए, फिल वक्त परेशानी बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए हम सोच रहे हैं कि आगे अभी रमज़ान में पता नहीं क्या हालात होंगे। ये तो अभी रमज़ान से 2 वीक्स पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो आगे देखिए रमज़ान में क्या होगा, महंगाई ज़्यादा बहुत। आजकल जो भी आप खरीदारी करने निकले हैं अभी रमज़ान आया नहीं जी, महंगाई की सूरत हाल क्या? महंगाई बहुत ज़्यादा है जी, जितनी आप कहें उतनी ज़्यादा है, आगे से 4 गुना ज़्यादा महंगाई है। क्या चीज़ आपको ज़्यादा महंगी है? सब्ज़ी महंगी है, आटा महंगा है, गोश्त महंगा है, दालें महंगी हैं, कोई चीज़ खाने की जितनी चीज़ें हैं सारी में पेट्रोल महंगा है, कोई चीज़ सब्जी है सारी महंगी है। आम आदमी करेगा अगर रमजान आ रहे बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, रोजा या रखेगा या मरेगा फिर ऐसे ही होगा। घर में 6-7 सौ रुपया एक बंदा गाड़ी लगाता है तो वो किस तरह का अपना गुजारा कर सकता है? बच्चों के साथ बच्चों की पढ़ाई के खर्चे हैं, उनके स्कूलों की फीसें हैं, घर का खर्चा है, गाड़ियों के किराए हैं, वो किस तरह पूरा करेगा? वही कर सकता फिर क्या करेगा? क्या करेंगे? जैसी है हमारी हुकूमत है ये करेंगे, हम मकान देंगे, हम आपको सौती देंगे, कुछ नहीं करेगा।
नहीं आ रहा है, और रमजान के आने के बाद पहले भी महंगाई होती थी, आप क्या समझते हो कि महंगाई की क्या सूरत हाल रही है? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, पहले से तो चार गुना ज़्यादा महंगाई है। कोई भी चीज़ लेने जाओ, पहले 100 रुपये में मना करके कुछ दे जाता था, अब कुछ नहीं आ रहा। हर चीज़ है, सब्जी से लेकर दाल, सब्जी, फ्रूट, घी, आयल, सब चीज़ें आपको पता है रोज़ रोज़ बढ़ रही है, रोज़ रोज़ देख रहे हैं आप, जो कि पहले 30 रुपये किलो थी आप 60 रुपये है, रमज़ान में ये 100 रुपये भी चली गई। ये तो पहले भी रूटीन है कि रमज़ान में महंगाई हो जाती है, लेकिन इस बार पहले ही इससे ज़्यादा हो रही है, रमज़ान में इससे ज़्यादा हो रही है। आप क्या कहते हैं कि हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती या इसको महंगाई को रोक नहीं सकती? महंगाई को रोक नहीं सकती है, ना कंट्रोल कर सकती है ना रोक सकती है। क्या करना चाहिए हुकूमत को? चाहिए कंट्रोल करे, गरीब बंदा जो है वो जो अभी 400-500 रुपये तैयारी है, वो कहाँ से आटा लेके जाएगा, चीनी लेके जाएगा, घी लेके जाएगा, सब्जी लेके जाएगा? और जब रमजान आ जाएगा तो फ्रूट के हवाले से क्या करें? फ्रूट तो बहुत ज़्यादा महंगा, अभी गरीब बंदे की कौन से पाए, रमजान में कहाँ से? हुकूमत को चाहिए कि इस पर नज़र सानी करें कि इसको गरीब बंदे की जरूरत नहीं है, फ्रूट तो बहुत ज़्यादा रेट यहाँ पर आई है, ये लेने जाओ किन्नी लेने जाओ तो वो 100 रुपये रखते हैं। कोई भी चीज़ है वो इतनी महंगाई है कि अब बंदा बच्चों के लिए फ्रूट लेके जाए। तो इसी महंगाई जो है ये हम कंट्रोल कर रहे हैं, क्या कहते हैं वजीर अजम साहब? वो बातें की सब देख रहे हैं कि क्या कंट्रोल किया उन्होंने, उससे 4 गुना बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, काम कारोबार है जो भी है, यहाँ भी दिल्ली वाले खड़े हैं, सिटी वाले आते हैं, वो उठा के ले जाते हैं, वो क्या करें, उन्होंने महंगाई तो कर दी है, अभी कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, को आप क्या कह रहे हैं? यही कहना है कि इस साइड पे देखें महंगाई को रिफाइन हो, कोई भी चीज़ है इसमें नहीं अफोर्ड कर सकता, हर बंदे का परेशानी है, हर बंदे की महंगाई महंगाई बहुत ज़्यादा है, आप क्या कहते हैं? जी महंगाई बहुत है, वाला आटा महंगा, चीनी महंगी, जो महंगा हर चीज़ महंगी हो गया, मजदूर है कोई नहीं, क्या करूँ, इतना महंगाई हर चीज़ महंगी, कारोबार है ही नहीं, महंगाई है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे खाने आ रहे, क्या करूँ, बहुत महंगाई है भाई, उसका काम है ना ये सोचना कि अपने आवाम के बारे में क्या करेंगे, आवाम के बारे में घूमन का काम है ना, वो तो मेरी का काम नहीं है, घूमन का काम है। सर हुकूमत को चाहिए कि वो गरीबों के साथ गुस्तावन कर रहे हैं, यानी कि हम काम करते हैं, ठेले लगाते हैं, सीढ़ी वाले आते हैं, भगा देते हैं हमें, हमारा भैया उल्टा कर जाते हैं, सौदा सारा फेंक जाते हैं, हमारा नुकसान होता है, हमें एक जगह पे खड़े होकर सौदा भी नहीं बेचने देते, परदेश से आए हुए हैं इधर मजदूरी के लिए, अगर इधर से भी मजदूरी करेंगे तो फिर क्या करें? वज़ीर आज़म को इसके साथ एक्शन लेना चाहिए, बोलना चाहिए उनको कि जो मजदूर खड़े हैं उन्हें खड़े रहने दो, अगर वो गैर इलाके में खड़े हैं ठीक है, किसी के सामने खड़े हैं तो उनसे बोला जाए कि साइड पे खड़े हैं, उनको एक मुकाम दिया जाए कि इस जगह पे तुम अपना रोजगार चला सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, यानी कि ये कोई एक्शन नहीं है, भगा देते हैं जिधर भी लगाते हैं, भगा देते हैं, आते हैं सौदा तबाह कर जाते हैं, उल्टा जाते हैं ठीक है। कितनी ज़्यादा महंगाई तो है, महंगाई तो हद से ज़्यादा हो गई है, जब से वज़ीर आज़म साहब आए महंगाई हद से ज़्यादा है, लिहाजा कंट्रोल करें इन पर, हर चीज़ आटा भी महंगा है, चीनी भी महंगी है, दालें भी महंगी है, घी भी महंगा है, गरीब आदमी कमाएगा तो खाएगा, जिसने रोज़ कमाना है रोज़ खाना, वो तो आपको भी पता है, सबको पता है कि किस तरह अपना निज़ाम चला रहा है, और इसके अलावा वज़ीर आज़म साहब को भी सोचना चाहिए कि वो कंट्रोल करें सब के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल करें, अगर उन्होंने नया पाकिस्तान बनाने का इरादा किया है तो नया पाकिस्तान बनाए।
नया पाकिस्तान बनाए, नया को भी पुराना ना कर, यानी कि जो पुराना है ना उसे भी तबाह ना कर, सही करेंगे। महंगाई के हवाले से लोग क्या कहते हैं, ये आप सुन रहे हैं और मौजूद हैं जी। महंगाई बढ़ गई है, इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा आगे रमजान भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत मुश्किल हो गई। क्या समझते कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा महंगी लगती है? सब चीज़ें ही महंगी हैं सर, आटा घी किधर पहुँच गया, चीनी किधर पहुँच गई, रोड भी अभी बहुत महंगा हो गया। अभी रमज़ान नहीं आया, रमज़ान से पहले खूब महंगा हो गया है। आप हुकूमत से क्या चाहते हैं कि हुकूमत क्या करे? हुकूमत से तो यही है, हमारी अपील है कि वो इससे अगर महंगाई कंट्रोल करते तो शुरुआत है सर, रमज़ान में आपको पता है दो ढाई साल हो गए, ढाई साल तकरीबन हो गए गवर्नमेंट को, पहले ये कहता है कि हम हर चीज़ पे काबू पा रहे हैं, वो काबू पाने में नाकाम हो गए हैं या कोशिश नहीं की, क्या पता फिर वो तो यार क्या दिन के बाद यही कहते हैं कि महंगाई कंट्रोल हो रही है, लेकिन तो नहीं है, बढ़ ही जा रहा है, बढ़ती हुई महंगाई और ये चीज़ों के इतना महंगा होना और इसके साथ साथ ब्रह्मांड भी आ रहा है, आप क्या समझते हैं कि आपका गुजारा हो जाएगा? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा इस बढ़ती महंगाई की वजह से बेशुमार लोग जो है ना बहुत परेशान हैं, लोगों के अलावा भी पूरे पाकिस्तान मुल्क की बात की जाए तो वो तमाम लोग इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि आवाम के लिए राशन के दूर की बात, उनके खाने के लिए भी कुछ नहीं। जब रमज़ान मुबारक आएगा उस वक्त तो महंगाई बहुत ज़्यादा अरूज भी हो जाती है, क्योंकि आम दिनों की नस्बत तो उस वक्त तो साफ जो है बहुत ज़्यादा महंगाई होने की वजह से एशिया का इस्तेमाल करना उनको लेने के लिए ये में इतने पैसे नहीं होते कि बंदा वो चीज़ें वगैरह ले। किराएदार जो है वो जो किराया बच्चे पढ़ाने का किराया देना तनख्वाह कम, उसके फिर गुजर बसर कैसे होगा? अभी वो तो साफ जरा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, उस टाइम गुजर बसर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। क्या कहते हैं महंगाई ज़्यादा हो गई है या कम हो गई है? यार बहुत ज़्यादा हुआ। अच्छा हाँ बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन हमारा 15,000 रुपये लगे थे, हम डिप्टी करेगा फिर भी गुजारा नहीं हुआ। कौन सी चीज़ आपको महंगी लगी है? यार हर चीज़ भी महंगा है, आटा भी महंगा है, चीनी भी महंगा है, हल्दी भी महंगा है, हर चीज़ भी महंगा है ना, गरीब लोग सारा लोग खाएंगे। आप क्या चाहते हैं क्या होना चाहिए? इसका औकात करेगा यार, महंगाई थोड़ा सा चीज़ हर चीज़ से महंगा है, हर चीज़ से महंगा है, गरीब लोग अभी रमज़ान नहीं आ रहा और लोग कह रहे हैं कि जी महंगाई होगी, काफ़ी महंगाई हो गई है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो आप समझते बहुत ज़्यादा महंगी है? सब महंगी सब्जी है, आटा है, हर चीज़ होगी, सब्जी चीनी होगी हर चीज़। तो आप गुजारा करने के लिए फिर क्या करेंगे? रमजान में क्या सूरत हाल होती है? तो बात बहुत खराब होती है, महंगाई तो रमजान में वैसे ही ज़्यादा होता है, उसके बाद क्या समझते हैं क्या हालात होगा? कंट्रोल नहीं हो रही या वो कर नहीं रहे, कर नहीं रहे, उनको भी चाहिए कि इसको कम कर लो। और क्या चीज़ चाहते हैं आपके, क्या और क्या चाहिए? महंगाई कम हो जाए तो आपकी जिंदगी में आराम हो सकता है, महंगाई की वजह से आपकी आवाज़ की महंगाई की वजह से कम नहीं कर रही है, हाँ महंगाई की वजह से कम आ रहा है की तरफ काम है या काम भी कम आम नहीं कम है, बीमार भी हो गई।
सीनियर सहाफी शफीक कुरैशी के ज़ेरे सदारत जोड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मुकामी अखबार रोज़नामा 99 न्यूज़, जिसमें मुकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें दौरे जदीद के तकाज़ों के ऐन मुताबिक। अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के साथ भी दस्तयाब है। आज ही अपने हॉकर से इसकी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें डब्ल्यू 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 डॉट 99 न्यूज़ चैनल